क्लास ट्वेल्थ वी आर स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 9.2 डिफरेंशियल इक्वेशंस चैप्टर है. पहला क्वेश्चन आपको गिवन है y इज इक्वल टू ई एक्स प्लस वन एंड यू हैव टू कैल शो y डबल डैश यानी सेकेंड ऑर्डर माइनस फर्स्ट ऑर्डर इज इक्वल टू जीरो. तो हाउ यू विल सॉल्व इट, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालते हैं. फर्स्ट डेरिवेटिव को y डैश लिखते हैं. मैंने आपको पहले एक्सरसाइज में बताया था y डैश का मतलब है dy वाई बाय डी एक्स, ठीक है. और अगर मैं इसका दोबारा से डेरिवेटिव करती हूँ तो डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं और यहाँ पर डबल डैश लिखते हैं. तो मैंने पहली बार इसका डेरिवेटिव किया, वाई डैश बन गया. और इसका डेरिवेटिव किया, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है और वन कॉन्स्टेंट टर्म में इसका डेरिवेटिव जीरो होता है. फिर अगेन इसका डिफ्रेंशिएशन किया, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, तो यहाँ पर डबल सेकेंड ऑर्डर आ जाएगा यानी डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर है सेकेंड ऑर्डर और ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है. जीरो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है. मुझे किस फॉर्म में आंसर चाहिए बुक में देखो, वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू जीरो. तो y डबल डैश माइनस y डैश, क्यों y डैश क्या था ई एक्स, इसलिए मैंने ई एक्स की जगह y डैश लिख दिया इज इक्वल टू जीरो. ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है. सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सी. तो मैंने यहाँ पर जब फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 2x का डेरिवेटिव 2 और c तो कॉन्स्टेंट उसका जीरो होता है. मुझे किस फॉर्म में आंसर चाहिए, y डैश माइनस 2x माइनस 2, यानी मेरा आंसर आया हुआ है, बस अरेंज करना है. ये 2x यहाँ आ गया और माइनस 2 यहाँ आ गया, जीरो. ये मेरा सेकंड क्वेश्चन हुआ. थर्ड क्वेश्चन में पूछा है cos x प्लस सी गिवन है और y डैश निकालना है, यानी फर्स्ट ऑर्डर तक ही रहना है. तो कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू cos x प्लस सी. फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x और कॉन्स्टेंट का जीरो होता है, तो ये वहाँ जाके प्लस हो जाएगा और इज इक्वल टू में जीरो रह गया. उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन में y इज इक्वल टू वन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर है, हमें y डैश सिर्फ शो करना है यानी फर्स्ट ऑर्डर तक ही रहना है. ओके तो मैंने लिया y इज इक्वल टू रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर और y डैश क्या होगा इसका, पहले इसको क्या लिखूंगी, वन प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ, ठीक है. डेरिवेटिव कैसे निकालते थे, इसमें से माइनस वन करते थे, जब इसमें से माइनस वन करोगे तो क्या बन जाएगा, माइनस हाफ, इसलिए वो डिनोमिनेटर में आ गया. और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, टू एक्स, वो न्यूमिनेटर में आ गया. ओके और ये पावर हाफ जो आ गया थी, देखो इसका डेरिवेटिव अगर मैं करती हूँ, जैसे इसका डी वाई डी एक्स करना है मुझे, तो मैं क्या करूँगी, पहले हाफ आगे आ जाता था, वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ माइनस वन और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, टू एक्स. इसको सॉल्व किया तो आपका इस फॉर्म में आ गया, टू से टू कैंसिल हो गया, तो वाई डैश इज इक्वल टू एक्स बाय रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर. अब जिस फॉर्म में मुझे आंसर चाहिए वो है विदाउट रूट, तो विदाउट रूट चाहिए तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, रैशनलाइज कर रही हूँ. रैशनलाइज सेम नंबर से कर रही हूँ, तो ऊपर तो आ गया एक्स और ये वाली चीज़ मेरी किसके इक्वल थी शुरू में क्वेश्चन में, y के इक्वल, तो इसकी जगह y लगा दिया और ये वन प्लस एक्स स्क्वायर सॉल्व होकर वन प्लस एक्स स्क्वायर आ गया. दिस वॉज अ फोर्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है y इज इक्वल टू ए एक्स है, ठीक है, और आपको शो क्या करना है, x y डैश इज इक्वल टू y. ओके तो मैं यहाँ से पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, y डैश कितना आ रहा है, a कॉन्स्टेंट है तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो a इंटू 1 दैट इज़ a ही आ गया. बट अब मुझे आंसर की फॉर्म जिस हिसाब से चाहिए मैं उस हिसाब से सम को कर रही हूँ. मुझे आंसर चाहिए इस क्वेश्चन में एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई, ये शो करना है. ओके एक्स वाई इज इक्वल टू वाई, तो अब मुझे वाई डैश इज इक्वल टू ए तो आ गया. मैं यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकती हूँ, ये आ रही है y बाय एक्स, ठीक है. मैंने इस a की जगह y बाय एक्स लिख दिया, ये x वहाँ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो एक्स वाई डैश बन गया इज इक्वल टू वाई, यही फॉर्म मुझे चाहिए थी. क्वेश्चन सिक्स है वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स और मुझे ये शो करना है एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स रूट वन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसका बाय यूवी मेथड ये फर्स्ट मान लिया सेकंड. क्या रूल था, फर्स्ट को एज इट इज़ लिखते थे और सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड को एज इट इज़ लिखते थे और फर्स्ट का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव वन ही होता है, लिखो या ना लिखो वो सेम रहेगा, ठीक है. फिर यहाँ एक्स रख दिया. अब यहाँ पर इसकी वैल्यू कैसे चेंज की मैंने, देखो मुझे पता है यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो साइन एक्स कितना आ जाएगा, वाई अपॉन एक्स, वहाँ जाके वाई अपॉन एक्स बन गया. ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटन्यूज. तो बेस कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर है y, बेस है सॉरी हाइपोटन्यूज है x, तो ये आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ठीक है. तो यहाँ से आपका आ गया क्या, cos x की वैल्यू. cos x की वैल्यू क्या आई, ये x एज इट इज़ रहा और cos x की वैल्यू यहाँ से निकाल ली. यहाँ से मेरे को बेस पता है और हाइपोटन्यूज पता है, तो cos की वैल्यू क्या आ गई, रूट एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर, इसकी वैल्यू यहाँ लगा दी ये वाली, और ये y बाई एक्स है साइन एक्स की वैल्यू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया एंड यू विल गेट द आंसर.